स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को लेसन 12 जिसका नाम सूरज है टूटू है, इस चैप्टर का जो है सी1 जो है बताने जा रहा हूँ। सी1 लिखा हुआ है फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन वर्ड विच हैव द फ्लोइंग मीनिंग। आपको जो है इस लेसन में जो है ऐसे वर्ड को ढूंढना है जिन वर्डों को यहाँ पे जो अगर हम फिल करते हैं कि इनका अर्थ जो है वो मीनिंग को यानी अर्थ को इसका वाक्य एन एनिमल दैट गिव्स बर्थ, एक जानवर जो होता है वो बच्चे को जन्म देता है एंड डज नॉट ले, लेकिन वो अंडा नहीं देता है, उसे हम क्या करेंगे जी, उसे हम लोग जो है स्तनपाई जीव कहते हैं, मैमल क्रिएचर कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, मैमल लिखेंगे, मैमल। क्या लिख बोलेंगे जिसे हम लोग मोबाइल लिखेंगे। अगला है आपके टू चाइल्ड ऑफ योर ऑन एंड अदर, एक जो है अपने चाचा या चाची के जो है बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, कजन कहते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कजन, CUSIN। टू रिपीट, देखिए दोबारा या सेम रेपिटेशन, और आवाज क्या हुआ दोबारा जो है रिपीट करना, इसे हम लोग बोलते हैं इको। The action making the air, क्रिया का इसके द्वारा जो है air, air, water, इत्यादि को जो हम लोग गंदा करते हैं और खतरनाक बनाते हैं इसे हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं हम लोग प्रदूषण कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पोल्यूशन, पोल्यूशन। फिर आप लिखा हुआ डी एन एंड द लेटर टू मेन मीनिंगफुल, आपको जो है इन शब्दों को जो है लिखना है जिससे जो है इसका जो है कोई शाब्दिक अर्थ भी दिए, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे।
रीअरेंज द लेटर में एक मीनिंगफुल वर्ड के बारे में बताया। अगले वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो है डी वन वन कंप्लीट इन द सेंटेंस यूज इन पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल टेंस का जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा।